पढ़ते हैं क्वेश्चन में क्या कहता है, देखते हैं। कहता है असेसमेंट ईयर 22-23 के लिए है, बाकी हमारा अभी असेसमेंट ईयर जो चल रहा है 24-25 चल रहा है, डेट पिछले साल का डला हुआ है। वो 65 साल का एक उम्र का व्यक्ति है मिस्टर एक्स, सबमिट फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपके इसके एक अलग से बिजनेस से इनकम 9,50,000 है। पेपर में जब भी आएगा ना तो ऐसा मत समझना इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से अलग क्वेश्चन आएगा, सैलरी से अलग क्वेश्चन आएगा, सबको मिक्स करके बनाएंगे हर जगह। बोलता है भाई इसकी इनकम जो है ना वो है 9,50,000 रुपए और इसके पास कोई प्रॉपर्टी इनकम है जिसमें FR दे रखा है आपको, घर एक और घर दो, दो घर है। MV दे रखा है, स्टैंडर्ड एनुअल रेंट फुल ईयर का दे रखा है आपको, अनरियलाइज्ड रेंट प्रीवियस ईयर का आपको दे रखा है, वेकेंट दे रखा है इतने इतने महीने का, लॉस ड्यू टू वैकेंसी इतने रुपए का हो गया आपका, इसके बाद म्युनिसिपल टैक्स पेड दे रखा है, रिपेयर का कोई काम नहीं, इंश्योरेंस का कोई काम नहीं, लैंड रेवेन्यू का कोई काम नहीं, ग्राउंड रेंट का कोई काम नहीं। तो क्वेश्चन ये जो पेपर आया था ना, ऑनर्स का भी मैंने पेपर सॉल्व किया, बट ये जो पेपर था ना प्रोग्राम वाले बच्चों का हिला दिया था पेपर में, प्रोग्राम वाले बच्चों को, मतलब ऑनर्स से तो कई गुना टफ पेपर आया था प्रोग्राम का उस टाइम पे बच्चों का। तो अभी आप खुद कर लोगे, देखो H1 H2 सबसे पहले MV लोगे, MV दे रखा है 3.5 3.20 3.5 और 3.20 360 है कहाँ, अच्छा FR था वो, ये दे रखा है 360 350 FR 350 320 SR 300,000 और ये कितना है 500,000 ER सर ये 300,000 आएगा और ये आएगा 300,000। बोलता है एनुअल रेंट, कहता है एनुअल रेंट जो था इसका 6,00,000 बता रहे हैं हम आपको और इसका बता रहे हैं 4,20,000। तो मुझे एक बात बताओ, एक बच्चे का भी डाउट भी था, तो ये बताओ जो ये 6,00,000 बता रहे हैं तो गवर्नमेंट के रूल तो बोलता है कि भैया तुम्हारा इतना किराया होना, उससे तो बेहतर ही है। तो अब अगर वैकेंसी हुआ तो वो माइनस करके हम लोअर वाला भी ले सकते हैं और हायर वाला भी, वो डिपेंड्स करेगा कि क्या है। कहता है हमारा अनरियलाइज रेंट का मतलब क्या होता है, अनरियलाइज रेंट मतलब पिछले साल का कुछ बकाया था वो अब हमें मिल चुका है, उसका हम लास्ट में कैसे प्रोविजन करेंगे ये भी सीख लेंगे इस क्वेश्चन में। वेकेंट कहता है कि भैया जो वेकेंसी रहा ना वो 2 महीने का रहा, तो आप ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं कि 6,12,000 महीने का है तो 1 महीने का 50,000 निकला और 2 महीने का इंटू करोगे तो कितना निकलेगा 1,00,000। तो आपका वेकेंसी जो रहा, एक कह रहा है वैकेंसी पीरियड दे दिया 2 महीने और उसी का अमाउंट निकाल के दे दिया 1,00,000, ऐसा मत समझना ये दोनों अलग अलग चीज है, कॉम्प्लिकेशन बढ़ाने के लिए दे दिया। ऐसे इसका देखोगे आप 3.50 अगर आप देखते हो 4.20 को डिवाइड करो, डिवाइड 12 × 2 तो 70,000 आ रहा है, वही चीज आपका 2 कर दोगे 1.40। एक मिनट कितने थे हमारे 4.20 है ना, 4.20 डिवाइडेड बाय 12 4 महीने है तो 1.40 आ जाएगा 4 महीने का, ठीक है। तो अब हमें यहां पे आप लेस वैकेंसी कर सकते हो, दैट इज इसका वैकेंसी 1,00,000 तो 5,00,000 होगा, स्टिल इससे ज्यादा ही है, इसका वैकेंसी 1,40,000। हाँ यहां पे कंफ्यूजन हो जाएंगे बच्चे कि सर 4.20 में से अगर आप 1,40,000 माइनस करोगे तो 2.80 आ रहा है और इसका कितना था 3, तो यहां जो GAV आएगा और GAV ये तो 5,00,000 होगा क्योंकि ये 5,00,000 आ गया और ये 3,00,000 है तो हायर आ ही जाएगा फिर तो, लेकिन यहां वाले केस में ये आया 2.80 तो 2.80 और इसमें से तो अब हम लोअर ले लेंगे यानी 2.80 क्योंकि रूल के हिसाब से देखा जाए तो ये आएगा, हम जो जितना रेंट ले रहे हैं उस पर देंगे टैक्स। अब माइनस क्या करोगे MT कितना दे रखा है आपको पेड 40 और 50, क्या निकल के आ गया आपका
एनएवी कितना आ गया आपका, 5 लाख है ये, तो 4,60,000 और 2,30,000 इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग दे रखा है आपको एक पे, कहता है फंड यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर टू, नेचर ऑफ कहता है लेट आउट फॉर रेजिडेंस और लेट आउट फॉर बिजनेस, दोनों चीजें लेट आउट पे दे रखा है, एक कमर्शियल पर्पस के लिए दे दिया, एक बिजनेस के लिए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आगे देखते हैं सर, कहता है डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी, इसका इनकम के साथ साथ आपको जो रेट सीखे वो भी लगाइए एग्जाम में जो पूछा जाएगा। असेसमेंट ये करिए, अगर वो 1,40,000 पब्लिक प्रोविडेंट फंड में डालता है तो इसके हिसाब से बताइए, एक्स इन्वेस्ट 5 लाख एनएससी में जो कि एटीसी, दोनों एटीसी का है, आपने अभी नहीं पढ़ा तो मैं तो अभी बता देता हूं, दोनों एटीसी है। बेनिफिट एक्स ऑप्ट आउट अल्टरनेट टैक्स रिजीम, कहता है कि भैया एक्स ने क्या करा, कहता है एक्स ने करा, इट इज द बेनिफिशियल ऑफ एक्स एक्स टू ऑप्ट फॉर अल्टरनेटिव टैक्स रिजीम अंडर सेक्शन 115 ए बी ए सी, मतलब न्यू रिजीम के हिसाब से निकाल के दिखाना है, ठीक है। तो चलिए यहां पे क्या माइनस करें, पहले 24 ए, फिर क्या माइनस करें, 24 बी, कितना आएगा 138, 24B 69। अब 24 इंटरेस्ट किसके लिए, कहता है कि भैया फंड आर यूज कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस नंबर टू, इंटरेस्ट बोरोइंग मोर्टगेज हाउस नंबर वन, कहता है भैया मैंने पहले घर को गिरवी रखा और उससे मैंने दूसरे घर को बनाने के लिए यूज किया, तो अब आपका जो इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, देखो यहां पे बच्चों को कंफ्यूज कर दिया होगा, बच्चा सोच रहा होगा यार ये क्या दे दिया इन्होंने, ये थोड़ा सा आसान होता तो सीधा सीधा चल रहे थे, बस ये आएगा, बच्चा क्या करेगा यहां पे एरर, पहला एरर, अच्छा ये हाउस नंबर वन के नीचे इंटरेस्ट है, सीधा हाउस नंबर वन से माइनस कर देगा, जो क्या हो जाएगा उसका गलत। कहता है भैया जहां के लिए फंड यूज हुआ है वहीं के लिए तो आप लोग, हाउस नंबर टू के लिए आपने लोन ले रखा है, 460 माइनस 138 या जाएगा 3,22,000, 230 माइनस 69 माइनस 140 या आ गया 21,000, यह आ गया इनकम। अब इसके बाद की कहानी क्या करनी होगी मैं आगे बताता हूं, जो आगे बताया उसने, बाद की कहानी करनी पड़ेगी, अब निकालनी पड़ेगी कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर, मैं यहां ईयर नहीं लिख रहा, चलिए सर यहां पे आएगा हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, क्या अमाउंट आएगा, 3,22 और 21, 3,22 और प्लस 21,000 कितने हो गए, ये 44, 343 इनकम फ्रॉम बिजनेस, आपको याद होगा स्टार्टिंग में हाईलाइट किया कि 9,50,000 ये बिजनेस का इनकम कमाता है। अब जी आ गया इसका टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम 9,50,343 ये आ गया 12,93,000, लेस कर देंगे डिडक्शन, तो डिडक्शन यहां पे मिलेगा जीरो, क्यों, क्योंकि न्यू रिजिम में कोई डिडक्शन अलाउड ही नहीं है, चाहे उसने यहां पे बोला है ना कि उसने पीपीएफ में डाला है या फिर एनएससी में डाला, अगर ओल्ड रिजिम होता तो फिर ये काम आता, तो मैं एक काम करता हूं ना, इधर से ओल्ड रिजिम का अगर होता तो क्या होता है यहां पे, ये तो हमारा 343 रहता और ये 950 बन जाता ओल्ड के केस में, और ये बन जाता 12,93,000, ये हो गया न्यू
और ये हो गया ओल्ड। यहां पे डिडक्शन ये वाला जो है ना इंटरेस्ट का पीपीएफ वाला 1,40,000 और प्लस 50,000 और प्लस 50,000, तो 1,90,000 बनता है, बट रिस्ट्रिक्टेड टू 1.5 लाख। यहां पे 1.5 लाख का डिडक्शन मिल जाता अंडर सेक्शन 80C। ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है किसी बच्चे को, इसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मैं डिडक्शन वाला ही बता दूं। तो ये कैसे आया नहीं आया अपने मन में 1% भी क्वेश्चन मत उठाइएगा कि कैसे आ रहा है, मैंने बता दिया बस है ये मान लीजिए जब तक चैप्टर नहीं करा देता मैं, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन तो दोनों का ही डालना है। मैंने सोचा आज तो सॉल्व करूंगा ही, आपको सॉल्व करा दे। तो ये 12,93,000 माइनस 1,50,000 इसका आ जाएगा 11,43,300। चलो भैया टैक्स का कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला था कि आपको निकालना है टैक्सेबल इनकम जो निकाल दिया, और बोलता है टैक्स लाइबिलिटी भी निकालो। जब टैक्स लाइबिलिटी निकालने को आ जाए तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको सबसे पहले फर्स्ट 3 लाख तक न्यू रिजिम के हिसाब से कर रहा हूं मैं, यहां पे न्यू के हिसाब से क्या होगा 0। नेक्स्ट 3 लाख पे कितने परसेंट, 5%, 15,000। नेक्स्ट 3 लाख पे, क्योंकि 3-3 लाख का स्लॉट चल रहा है, क्या परसेंट, 10%, यानी कितने हो जाएंगे 30,000। तो 9 लाख का हिसाब हो चुका है, इनकम कितनी है 12 लाख रुपए। नेक्स्ट 3 लाख रुपए उसके ऊपर कितने परसेंट, 15%, कितने हो जाएंगे 45,000। तो 12 लाख का हिसाब किताब हो चुका है, बचे कितने 93,000। तो बैलेंस 93,000 पे कितने परसेंट था 15 के बाद, बीस होगा या है, देखो एक बार चेक करो। बताइए कितने परसेंट लगेगा, 1% ऐसा है जहां पे गैप है थोड़ा सा। कमेंट में बताइए कितने परसेंट लगेगा। न्यू में 20 ही लगेगा, तो 20% के हिसाब से कितना आएगा 93,000 का 20%, ये आ गया 18,600। इन सबको प्लस कर दो, 15,000 प्लस में 30,000 प्लस 45,000 प्लस 18,600। इसमें कोई रिबेट उबेट मिलेगा, जल्दी जल्दी कमेंट बताइए। 87A का रिबेट मिलेगा, जिन बच्चों ने पढ़ रखा है बताइए 87A का रिबेट है या नहीं है, मिलेगा या नहीं मिलेगा 87A का, तो नहीं मिलेगा। वो कब तक मिलता है, जब तक आपकी इनकम कितनी होती है 7.5 लाख, उससे तो बहुत एक्सीड हो गया है। अब क्या करेंगे, प्लस सेस कितने परसेंट, 4%, तो 1086, 1,08,000, इसके ऊपर 4% प्लस, ये आ गया आपका टैक्स लाइबिलिटी। इसको राउंड ऑफ कर दो, राउंड ऑफ बताया या नहीं बताया, 288B सेक्शन के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ हो जाता है, आपको देना पड़ेगा 112,940 रुपए। बोल रहा है सरकार 4 रुपए छोड़ो यार, तुमसे टैक्स नहीं लेंगे, आप इतना टैक्स दे दो हमें। लेकिन अगर ये 6 होता है ना तो बोलता है क्यों 4 छोड़े आपको, आप एक काम करो 4 रुपए फालतू ही दे दो, फिर वो कितना ले लेते आपसे 50 रुपए ले लेते पूरा। तो यहां तक आप इतना क्वेश्चन करोगे इसको तब जाके आपको मिलने वाला है 18 नंबर। अब इसके अंदर आप देख लो, कोई बच्चा कहता है कि सर हमें थोड़ी बहुत, अरे हाउस प्रॉपर्टी का इनकम गलत निकल गया हमारा, मेरे दिमाग से स्किप हो गया, प्लस अनरियलाइज रेंट 70% अनरियलाइज रेंट ऐड हो जाएगा। मैं आगे करेक्शन नहीं करूंगा, आप समझ जाओ। अनरियलाइज रेंट कितना था हमारा क्वेश्चन में गिवन, 10,000, तो यहाँ पे 7,000 ऐड हो जाएगा, और दूसरे में कितना है 80,000, तो 8,56,000 यहाँ ऐड हो जाएगा। तो टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो आएगा ना, वो आएगा आपका 329।
77, तो थोड़ी सी इनकम और बढ़ जाएगी। तो अनरियलाइज रेंट का क्या होता है सर, इसको समझाया नहीं है, बस क्वेश्चन में आया इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है? बताओ किसी स्टूडेंट को डाउट?